अच्छा जी, तो अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास है प्रॉपर्टीज, तीन चार प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, बाकी ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज में सबसे पहली जो अभी मैंने आपको बताई थी, कमोटेटिव प्रॉपर्टी। कमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप किसी भी ऑर्डर में ऑपरेट करो वो मैटर नहीं करता। तो अब ये डिपेंड करता है ऑपरेटर के ऊपर, ऑपरेटर कौन सा है। जैसे एडिशन जो है वो डेफिनेटली कमोटेटिव है, सब्ट्रैक्शन नहीं है। मतलब 1+2 करो या 2+1 करो बात एक होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं है कमोटेटिव। 1-2 करो या 2-1 करो, दोनों के अलग आंसर होंगे। इसी तरह मल्टीप्लीकेशन कमोटेटिव है लेकिन डिवीजन नहीं है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से करो, एक ही बात है। लेकिन 2 को 3 से डिवाइड करो या 3 को 2 से डिवाइड करो, ये अलग बात बन जाएगी। तो ये ऑपरेटर पे डिपेंड करता है कि वो कमोटेटिव है या नहीं है। सेट के अंदर दो ऑपरेटर मैंने अभी भी बताए थे, यूनियन और इंटरसेक्शन, ये कमोटेटिव है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया या डिफरेंस हो गया, ये कमोटेटिव नहीं होते। तो कमोटेटिव के अंदर दो ही चीजें आ सकती हैं, या तो यूनियन के साथ आ जाएगा, ए यूनियन बी बराबर होगा बी यूनियन ए के, या इंटरसेक्शन के साथ आ जाएगा। इंटरसेक्शन और यूनियन, ये दोनों कमोटेटिव होते हैं। एक और प्रॉपर्टी होती है इसके बाद, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, ब्रैकेट से आपने खेलना है। कहने का मतलब, मैं तीन सेट लिखता हूं यहां पे, यूनियन के अंदर भी होता है, इंटरसेक्शन के अंदर भी होता है। अब बाजार तो मैंने एक ही चीज लिखी हुई है, ब्रैकेट की पोजीशन आपने करनी है। यहां पे मैं ब्रैकेट डालता हूं इन दो के दरमियान, यहां पे मैं ब्रैकेट डालता हूं इन दो के दरमियान। अब मतलब चेंज हो गया इसका। इसका मतलब ये है कि बी यूनियन सी निकालो, जो चीज आए उसका यूनियन ए से निकालो। और इसका मतलब है कि पहले ए यूनियन बी को निकालो, जो भी आंसर आए उसका यूनियन सी के साथ निकालो। तो यूनियन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। यूनियन के अंदर ये मैटर नहीं करता, आप इस ऑर्डर में सॉल्व करो या आप इस ऑर्डर में सॉल्व कर लो। यही चीज इंटरसेक्शन के अंदर भी होती है, इंटरसेक्शन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड है। आप इस तरह सॉल्व करो या आप इस तरह सॉल्व करो, आंसर सेम ही होता है। तो यूनियन इंटरसेक्शन तकरीबन हर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, कम्यूटेटिव हो, एसोसिएटिव हो, डिस्ट्रीब्यूटिव हो, हर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, ये तीनों एक साथ ही डिस्कस की जाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन मैं आपको वही बताऊंगा जो ज्यादातर आपसे पूछी जाती है, वरना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। माइनस की ओवर कार्टेशियन प्रोडक्ट, यूनियन की पता नहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट, बहुत ज्यादा है। ज्यादातर जो आपकी बुक में मेंशन है ना, दो जो है वो देख लो, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी। बड़ा मुश्किल वर्ड है यार ये, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये अंग्रेजी का वर्ड याद रखना, क्योंकि ये जुमला प्रो याद रखना है, इसी तरीके से पूछा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है ना, वो दो किस्म की है। एक होती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये क्या होती है? ये इस तरह होती है कि आपके पास लिखा होगा यूनियन, ठीक है, और यहां पर लिखा होगा इंटरसेक्शन। कहने का मतलब, आप यूनियन के जरिए से इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। मतलब मैं पहले प्रॉपर्टी बता देता हूं, फिर बताता हूं मतलब क्या बन रहा है इसका। अब देखो, यहां पे था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। आपने क्या किया, आपने यूनियन के जरिए से इंटरसेक्शन को डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आपने लिखा ए यूनियन बी, आपने लिखा ए यूनियन सी, सॉरी ए यूनियन सी आया हुआ है यहां पर, ठीक है। और दरमियान में आप यहां पर क्या लगा दोगे, इंटरसेक्शन लगा दोगे। तो इसको आप बोलोगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलेंगे जो भी है ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब इसका मतलब ये कि इंटरसेक्शन के जरिए से आपने यूनियन को डिवाइड किया है, और ये प्रॉपर्टी क्या होगी, ये वाली। तो आप देखना, इंटरसेक्शन के जरिए से आप यूनियन को डिवाइड करोगे। आप सबसे पहले लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, फिर दरमियान में यूनियन लगाओगे, फिर आप लिखोगे ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये दो किस्म की, इनको आप लोग याद रख लेना। एसोसिएटिव में मैंने यही बात बताई थी ना कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप पहले इन दो को सॉल्व करो या आप इन दो को सॉल्व करो। मतलब पहले बी सी को सॉल्व करो या ए बी को सॉल्व करो, आंसर एक ही आएगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दी है, दो किस्म की है, इनको याद रख लेना।
कोई सवाल यहाँ तक? आप अगर ये बुक में देखो ना, तो बुक में कहाँ पे मिल जाएंगी आपको ये? ये बुक में आपका पेज नंबर 8 पे मिल जाएगी, सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो इसमें काफ़ी बुक में डिस्ट्रीब्यूटिव में कौन कौन सी लिखी हुई है आपकी? एक सेकंड में देख लूँ ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। और सही, एक तो ये लिखी हुई है, दूसरी है प्रॉपर्टी ऑफ, सही है, ये भी मैंने बता दिया आप लोगों को। अच्छा, एक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कार्टेशियन ओवर यूनियन, और फिर है कार्टेशियन ओवर इंटरसेक्शन, सही। बुक में और भी हैं, मैं वही बता देता हूँ साथ साथ, ताकि पूछी जा सकती हैं। सर वेन डायग्राम सिंपल बोर्ड में नहीं है ना? नहीं यार, वेन डायग्राम नहीं है। अच्छा, बुक में इन्होंने पेज नंबर 9 पे लिखी भी है। अच्छा, एक होती है लेफ्ट और एक राइट, मतलब सेम ही होता है, कन्फ्यूज़ नहीं होना। कि अगर ये जो ए है ये अभी लेफ्ट पे आया हुआ है ना, ए लेफ्ट पे, मैं इसको राइट पे भी लिख सकता हूँ इस तरह, बी इंटरसेक्शन सी अपनी जगह पे है, इस ए को मैं राइट पे ले जाता हूँ, इस तरह सेम ही रहेगा अभी भी। अभी आप पता है किस तरह लिखोगे? आप लिखोगे बी यूनियन ए, दरमियान में इंटरसेक्शन लगाओगे, फिर आप लिखोगे बी सॉरी सी यूनियन ए। तो ये दोनों चीजें एक ही हैं। यहां पे था ए यूनियन बी, यहां पे बी यूनियन ए, एक ही बात होती है। यहां पे था ए यूनियन सी, यहां पे सी यूनियन ए, तो बात एक ही होती है। बस फर्क ये है कि यहां पे ए लेफ्ट पे था, यहां पे ए जो है वो राइट के ऊपर है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरीके से आंसर जो है वो आपका सेम आएगा। अच्छा, अब जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है ना, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ओवर यूनियन, के कार्टेशियन प्रोडक्ट के जरिए से आपने यूनियन को डिवाइड किया है, मतलब ये वाली चीज कि देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट था, अंदर यूनियन था, अब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट के जरिए से यूनियन को डिवाइड कर रहे हो। आप लिखोगे ए क्रॉस बी, दरमियान में यूनियन लिखोगे, फिर आप लिखोगे ए क्रॉस सी, तो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट के जरिए से यूनियन को डिवाइड कर दिया। इसी तरह अगेन वही लेफ्ट राइट दोनों इसके अंदर होगा, अभी ए लेफ्ट पे है, राइट पे भी आ सकता है। लेकिन एक चीज आपने जहन में रखनी है, ये पॉइंट भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है, कि अगर आप ए जब राइट पे आएगा ना, तो फिर आपके पास आंसर सेम नहीं आएगा, क्योंकि जब ए राइट पे आएगा ना, तो ये वाली चीज हो जाएगी बी क्रॉस ए, ये वाली हो जाएगी सी क्रॉस ए, और आपको पता है ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। तो लेफ्ट पे जो आपके पास आएगा वो चीज़ अलग होगी, अगर आप ए को राइट पे ले जाओगे तो अब आपके पास अलग आंसर आएगा, सेम सेट नहीं आपके पास आएगा। ये पेज नंबर 9 पे उन्होंने मेंशन किया, मैं खुद भी इसको गो थ्रू कर लेना, आसानी हो जाएगी। अच्छा, जो प्रॉपर्टी अभी है ना यूनियन के साथ, सेम इंटरसेक्शन के साथ भी है, ये आप लोग खुद ट्राई कर लेना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ओवर इंटरसेक्शन, जहां जहां यूनियन आया हुआ है ना, वहां पे बस आप इंटरसेक्शन कर लेना। और एक आखिरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, कंसीडर कर लेते हैं इसको, एरो में डाल रहा हूँ, एक ये थी, टोटल 4 मैंने आपको बता दिए, पांचवी देख लो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ओवर डिफरेंस माइनस। तो अब इसको किस तरह सॉल्व करोगे? अगेन वही कॉन्सेप्ट है, ए आएगा क्रॉस, अंदर आ रहा होगा डिफरेंस, तो आप लिखोगे ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जरिए से आपने डिवाइड किया है माइनस को। ये राइट पे भी हो सकता है, लेफ्ट पे भी हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली अगर राइट या लेफ्ट पे होगा तो फर्क होगा, क्योंकि फिर बी क्रॉस ए हो जाएगा माइनस सी क्रॉस ए, तो डेफिनेटली आंसर डिफरेंट होगा वो। तो ये कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इनको नोट कर लेना आप लोग। और बड़े मशहूर आपके पास प्रॉपर्टी है डी मॉर्गन प्रॉपर्टी, कह लो लॉ कह लो, डी मॉर्गन लॉ, ये भी आपको पता होना चाहिए, डी मॉर्गन्स लॉ। एमसीक्यूज में बस ये लॉ पूछ सकते हैं आपसे, ऑब्वियसली कोई सवाल तो आएगा नहीं एमसीक्यूज में। तो दो इसके लॉ हैं, कि अगर आपके पास लिखा हो ए यूनियन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट, तो ये बराबर होगा कि आप दोनों का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लो, ठीक है, अगर यूनियन है तो दरमियान में इंटरसेक्शन डाल दो। ये मैं याद करने का तरीका आप लोगों को बताता हूँ, मुझे मज़ा नहीं आता इस तरह लिखने का, ये याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि कन्फ्यूजिंग होते हैं ये। इसी तरह अगर आपके पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी,
कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट लिखो, बी कॉम्प्लीमेंट लिखो, अगर दरमियान में इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन आ जाएगा। तो ये दो डी मॉर्गन लॉज होते हैं, ठीक है। कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है क्या टॉपिक है, थ्योरम्स। तो मैं आप लोगों को बस बता देता हूँ कि थ्योरम्स को किस तरीके से आप उनके आंसर कर सकते हो। दो तरीके होते हैं आपके पास, खुद भी समझे कर सकते हो। सर कॉम्प्लीमेंट नहीं आया था समझ, कॉम्प्लीमेंट यार मैंने बहुत डिटेल से बताया था। कॉम्प्लीमेंट अगर आपने किसी भी सेट का मालूम करना है तो उस सेट को आप माइनस कर दो यूनिवर्सल सेट से। अगर मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो ए माइनस यू कर लो, दैट्स इट। सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो यू माइनस ए कर लो। मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है, अभी मैं बताऊंगा तो मैं उल्टा ही बताऊंगा क्योंकि अभी मैं थका हुआ हूँ। तो देख लो मैंने काफ़ी डिटेल से चीज़ बताई हुई है, इसको सॉल्व भी कर लेना। मैंने तभी बताया था क्वेश्चन नंबर 7 जो है 1.1 का, इसको एक दफ़ा सॉल्व कर लेना, जितने ऑपरेशन है ना सब आ जाएंगे सही तरीके से। और अगर मसला हो किसी पार्ट में देन मुझसे पूछ लेना। अच्छा एक प्रॉपर्टी मैं भूल गया था, डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये भी होता है कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट आपने निकाला और फिर आपने दोबारा कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया तो ये सेट ए के बराबर है। ये आप प्रॉपर्टी हर जगह पढ़ोगे, ये मैट्रिसेस के अंदर भी पढ़ोगे आप, ये सेट के अंदर भी आप अभी पढ़ रहे हो कि अगर आपने एक सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाला और फिर दोबारा कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया तो वो सेट ए के बराबर ही हो जाएगा। तो ये भी है, इसको भी ज़रा नोट कर लेना। थ्योरम जो है ना कुछ उस पर आ जाओ, इसी तरह कुछ वो खुद भी बना सकते हैं, इनके नाम भी होते हैं, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ वो खुद भी बना देंगे। लेट कर लो आपको आ जाए ए यूनियन एम्प्टी सेट। अब आपको पता है एम्प्टी सेट के अंदर कुछ होता ही नहीं है, आप यूनियन मालूम कर लो कोई फायदा नहीं है, वो सेट ए के बराबर ही आएगा। भाई एम्प्टी सेट के अंदर जब कुछ है ही नहीं तो यूनियन करने का फायदा ही नहीं है, जो ए के एलिमेंट है वही आंसर में आ जाएंगे। लेकिन अगर यहां पर आ जाए ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट तो अब इसका आंसर एम्प्टी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए और एम्प्टी सेट इनके दरमियान कुछ कॉमन ही नहीं है, तो जब कुछ कॉमन नहीं होता तो आप क्या लिख देते हो, एम्प्टी लिख देते हो। देखो यूनियन में आप ए लिखा आपने क्योंकि इसके अंदर यूनियन जब निकालोगे तो वो ए के बराबर ही आएगा, ए के सारे एलिमेंट। लेकिन जब आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो अब ए और एम्प्टी सेट के दरमियान कुछ कॉमन ही नहीं है, तो जब कुछ कॉमन ना हो तो आप क्या लिखते हो, एम्प्टी सेट। इसी तरह लेट कर लो आपके पास आ जाए ए यूनियन ए, तो ये ए के बराबर ही होगा भाई। अगर आ जाए ए इंटरसेक्शन ए तो ये भी ए के बराबर होगा। अच्छा इसी तरह अगर आपके पास आ जाए ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, तो देखो जब ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल के अंदर मौजूद होंगे, दो सेट का जब आप यूनिवर्सल लेते हो तो मतलब होता है कि आप पहला सेट लिखो फिर दूसरे सेट के एलिमेंट लिखो, लेकिन ए के तो सारे एलिमेंट यूनिवर्सल के अंदर मौजूद हैं, तो जब आप इसका यूनिवर्स यूनियन लोगे तो वो यूनिवर्सल के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। और लेट कर लो अगर ए का आप इंटरसेक्शन ले रहे हो यूनिवर्सल से तो अब इसका आंसर ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए के जितने एलिमेंट हैं वो यूनिवर्सल के अंदर मौजूद हैं। तो लेट कर लो ए के अंदर एलिमेंट है 1, 2 और यूनिवर्सल के अंदर मौजूद है 1, 2, 3, 4, 5। तो जब आप इनका इंटरसेक्शन लोगे तो जो ए के जितने एलिमेंट हैं वो सब इंटरसेक्शन आ जाएंगे, मतलब जो सेट ए है वो खुद ही आ जाएगा ना, सेट ए के जितने एलिमेंट हैं वो सब इंटरसेक्शन होंगे, तो आंसर में आपको सेट ए मिल जाएगा इसका। दैट्स व्हाई मैंने वहां पे लिख दिया था ये। तो ये तो मशहूर मशहूर चीजें हैं ना, आप देख लेना, बाकी चीजें भी आ सकती हैं, इन चीजों को जहन में रखना। तो यही थ्योरम भी इसी टाइप के हैं, यही मैं डिस्कस करूंगा, 4-5 में डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी कुछ एमसीक्यूज में भी सॉल्व कर लेंगे। बाकी अगर एग्जाम में आया तो जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, तरीके बता रहा हूँ, उससे आप सॉल्व कर लेना। जैसे एक है यू कॉम्प्लीमेंट, यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल में से माइनस कर दो। यहाँ पे यूनिवर्सल का आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो तो कॉम्प्लीमेंट हम किस तरह लेते हैं कि यूनिवर्सल से माइनस करते हैं, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल, और ये पूरी चीज किसके बराबर होती है, एम्प्टी सेट के बराबर। एक सेट को अगर आप अपने से माइनस कर दोगे तो वो एम्प्टी के बराबर हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास आ जाए एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट,
तो क्या होगा, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल माइनस एम्प्टी, और यूनिवर्सल में से जब आप एम्प्टी को निकालोगे तो यूनिवर्सल का क्या बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, वो यूनिवर्सल ही रहेगा। एम्प्टी सेट के अंदर जब कुछ एलिमेंट ही नहीं है तो कुछ कैंसिल नहीं होगा यूनिवर्सल से, तो वही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब लेट कर लो, अगर आपके पास ये वाली चीज आ जाए कि अगर ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, तो बताओ ए यूनियन बी क्या होगा। क्या मतलब इसका, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, वो कहना क्या चाह रहे हैं, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है और बी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा भी मौजूद है। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं, अच्छा इनको वैसे भी आप समझ सकते हो और एग्जाम्पल लेट करके भी समझ सकते हो। आप अपने पास कोई भी दो सेट कंसीडर करना, ठीक है, आपको दिखने में लग रहा है ये वाला जो है ये प्रॉपर सबसेट है इसका। अब अगर आप इनके दरमियान यूनियन निकालोगे तो आपको पता है यूनियन में सब इसके एलिमेंट कॉमन आ जाएंगे, क्योंकि देखो 1, 2 तो ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब इसके जितने एलिमेंट हैं वही यूनियन में आ जाएंगे। सही, तो इसका मतलब जो ये सेट है ना वही आपके पास आंसर में आ रहा है। तो अगर आपने ए यूनियन बी निकालना है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। अगर ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है तो बी के बराबर हो जाएगा। इसको याद रखने का आसान तरीका भी होता है कि जो बड़ा सेट है ना यूनियन में वो आता है। ए प्रॉपर सबसेट बी में, बड़ा वाला सेट कौन सा है, बी, तो यूनियन में आपके पास बड़ा वाला सेट आ जाएगा। और अगर आपसे बोला जाता है इसका इंटरसेक्शन मालूम करो, हाँ बोलो, ये प्रॉपर सबसेट, अच्छा अब अगर आपको बोला जाए ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो याद रखो इंटरसेक्शन में आप छोटा वाला सेट कंसीडर करते हो, क्योंकि जब आप इनके दरमियान इंटरसेक्शन निकालोगे तो इनके दरमियान इंटरसेक्शन क्या आएगा, 1, 2 एलिमेंट कॉमन है ना, मतलब जो छोटा वाला सेट है वही आंसर में आ जाएगा। तो यूनियन में बड़ा वाला सेट आएगा और इंटरसेक्शन में जो छोटा वाला सेट है ना वो आ जाएगा। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल लेट करके सॉल्व कर लेना, आपको आइडिया हो जाएगा इस तरह भी। अच्छा तो एक और डिस्कस करते हैं, लेट कर लो अगर आपसे बोला जाए कि ए माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ, ये किसका सबसेट होता है, ए का सबसेट होता है, बी का सबसेट होता है, या ए यूनियन बी का सबसेट होता है, इस टाइप के सवाल अगर आपसे पूछे जाएं तो आपको ये समझना पड़ेगा ए माइनस बी का मतलब क्या है। सेट ए था, ठीक है, सेट ए में से कुछ एलिमेंट हमने माइनस कर दिए, ठीक है, सेट ए में से कुछ एलिमेंट माइनस कर दिए, तो जो रिजल्ट में आपके पास सेट आएगा वो डेफिनेटली सबसेट बन जाएगा ए का। कंसिडर कर लो एक सेट ए था जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट थे, जब आपने ए माइनस बी किया तो कुछ एलिमेंट इसके कैंसिल हो गए, लेट कर लो 3, 4 इसके कैंसिल हो गए, 1, 2 बच गया, तो जो 1, 2 आंसर में आएगा वो डेफिनेटली सबसेट नहीं होगा इस बड़े वाले सेट का जो स्टार्टिंग में ए था। स्टार्टिंग में ये ए था ना, उसके बाद कुछ एलिमेंट आपने इसके कैंसिल कर दिए, लेकिन जो भी एलिमेंट बचेंगे वो सबसेट तो बन जाएगा इस वाले सेट का। ठीक है, आप ये तो मैं एक सेट लिया ना, आप बी भी कंसिडर कर लेना, लेट कर लो बी जो है वो 3, 4, 5 है, तो जब आप माइनस करोगे तो कॉमन एलिमेंट 3, 4 है ना, तो वो आप इसमें से कैंसिल कर दोगे, तो सब्ट्रैक्शन का आंसर क्या होगा, 1, 2, लेकिन जो सब्ट्रैक्शन में आया है वो सबसेट किसका है, वो सबसेट बन जाएगा ए का। तो ए माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इसको वैसे भी आप एनालाइज कर सकते हो, और अगर वैसे एनालाइज नहीं कर सकते तो आप एग्जाम्पल कोई भी लेट करो, उसके बाद देखो आंसर में क्या आ रहा है, आंसर में डेफिनेटली वो सबसेट बन जाएगा ए का, वो बी का सबसेट नहीं बनेगा। क्यों, बी के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, 3, 4, 5, इसके अंदर 1, 2 है, तो कैसे सबसेट बन सकता है। अच्छा अगर आपके पास आ जाए बी माइनस ए, तो बी माइनस ए सबसेट बन जाएगा बी का। अच्छा कुछ कंडीशंस हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, अच्छा इसी टाइप के होंगे यार, अब इसकी बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, आपसे कुछ भी पूछ लेंगे, तो अब इसको याद थोड़ी ना करोगे आप, ये जो मैं बता रहा हूँ ये प्रैक्टिस के तौर पे बता रहा हूँ, एग्जाम में कुछ डिफरेंट चीज़ पूछ ली जाए आपसे तो करना आपने क्या है, आपने कोई भी दो सेट लेट करने हैं, सॉल्व करना है, उसके बाद ऑप्शन से आपने देखना है किससे मैच कर रहा है, वो आप आंसर लिख देना। ठीक है, तो
अब कुछ दो तीन बातें और डिस्कस कर लूँ। जैसे आपके पास आए कि ए यूनियन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के, ऐसा कब पॉसिबल होगा कि यूनियन और इंटरसेक्शन आपस में बराबर हो जाए? इसी तरह आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता, मतलब ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये आपस में बराबर हैं तो कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जब ये आपस में बराबर होंगे? तीसरा सवाल कि ए माइनस बी आपको पता है आपस ए माइनस बी बी माइनस ए के बराबर नहीं है, लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि ये दोनों बराबर हैं तो आपको बतानी है किस कंडीशन के तहत ये बराबर आएंगे। तो इन तीनों की कंडीशन यही है कि जब सेट ए और बी आपस में बराबर हैं तो उनका यूनियन और इंटरसेक्शन सेम होगा। या परफॉर्म करके देख लेना, ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए इक्वल होगा, ए माइनस बी बी माइनस ए इक्वल होगा। ये तीनों कंडीशन उस वक्त होंगी जब ए और बी आपस में क्या है, बराबर है। तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं इस टाइप के। अब मैं एक आप लोगों को सवाल देता हूं, इसका आप लोगों ने आंसर बताना है। अच्छा जी, ये अच्छा वाला सवाल है। ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी, इसका आंसर क्या होगा? सिक्स सेवन, ये दो सवाल हो गए। सोचो जरा इस पे, दो तीन और मैं बना के देता हूं। कह रहे एक कोई तो आंसर दे दो इसके, अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया। इसके एक दो आंसर तो मैं दे दूंगा, नाइन वाला जो है ये मुश्किल है, इसका तो मैं जवाब दे दूंगा। ऊपर वाले जो है उनको जरा आप लोग गौर कर लो। सर हाँ सही है, पहले वाले का मतलब एक ही पता है, एट का नल है। अच्छा ये बाय द वे, अच्छा एट का इसका आ रहा है नल, चलो सही है, बिल्कुल सही बताया। मैं ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ, फर्स्ट का आई थिंक नल है। ओहो यू थिंक, अच्छा और बताओ। सेवन का ए है, सेवन का ए है, अच्छा कैपिटल ए, अच्छा आखिरी वाला छोड़ दो उसका ना बताओ। कोई शुरू के तीन को ठीक करना चाहता है, कोई समझता है कि इसमें गलती है कुछ? मतलब सब इस बात से एग्री हो तो पहला वाला गलत बताया, दूसरा वाला भी गलत बताया, तीसरा वाला ठीक है, शुरू के दो गलत हैं। अब इसको आप एग्जांपल लेके भी सॉल्व कर सकते हो, आप एग्जांपल लेके सॉल्व कर लेना, मैं आपको वैसे समझा देता हूं। ये दो गलत बताएं, ए माइनस बी का मतलब क्या है? ए में से आपने बी के एलिमेंट निकाल दिए, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब क्या है? जो ए है उसमें से आपने बी के एलिमेंट निकाल दिए। अच्छा नहीं, सही बिल्कुल सही बताया, जैसे ये बताया था मैं यहाँ पे ये लिखना चाह रहा था, आपने बिल्कुल सही बताया था। जो एम्प्टी सेट था वो इसका बिल्कुल ठीक आंसर था अगर इंटरसेक्शन हो। इनफैक्ट इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एक और चीज़ बन गई है यहाँ से। अब मेरे जहन में कुछ और, मेरे जहन में था कि मैंने दरमियान में यूनियन लिखा है, जो एम्प्टी वाले ना उन्होंने सही लिखा था, मैंने गलती से मजाक उड़ा लिया था आपका। अच्छा यूनियन की बात करते हैं हम, इंटरसेक्शन में तो सेंस बनती है कि जो बी के एलिमेंट है वो आपने ए में से हटा दिए, तो अब ए के अंदर वही एलिमेंट होंगे जो बी के अंदर नहीं है। तो जब उनका आप इंटरसेक्शन लोगे बी से तो कुछ इंटरसेक्शन ही नहीं आएगा, क्योंकि बी के एलिमेंट आपने सारे कैंसिल कर दिए थे, तो इसका आंसर एम्प्टी हो जाएगा। अगर इनके दरमियान यूनियन आ जाए तो फिर क्या होगा? तो ये बराबर हो जाएगा ए यूनियन बी के। कैसे? एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट कर लो सेट ए जो है वो बराबर है 1 2 के, सेट बी जो है वो बराबर है 2 3 के। जब आप एग्जाम्पल लेट करो ना तो ओवरलैपिंग ही करना। ओवरलैपिंग का मतलब कुछ एलिमेंट कॉमन हो दो सेट में, कुछ एलिमेंट कॉमन ना हो।
सबसेट नहीं लेट कर लेना, वो सबसेट लेट करोगे ना तो कितने आंसर सही नहीं आएंगे आपके, तो ओवरलैपिंग कंसिडर करके इनको सॉल्व करना। तो आप a माइनस बी निकालो, a माइनस बी यहाँ पे आएगा, 2 को कैंसिल करोगे 1 बच जाएगा। फिर आप क्या करो, इस a माइनस बी का यूनियन ले लो b से, तो a माइनस बी में एलिमेंट है 1 और b में एलिमेंट क्या है 2, 3, तो यूनियन हो जाएगा 1, 2, 3। तो अब ऑब्जर्व करो a माइनस बी यूनियन b का आंसर क्या आया है, 1, 2, 3। 1, 2, 3 इस तरह भी तो आ सकता है ना, अगर आप a यूनियन b मालूम करते, अगर आप a और b का यूनियन मालूम करते तब भी तो आंसर 1, 2, 3 आता, ठीक है। तो ये पूरी चीज यूनियन के बराबर हुई है। रीजन उसकी ये है कि a माइनस बी में से देखो आपने b के एलिमेंट जो है वो कैंसिल कर दिया था, ठीक है, उसके बाद यूनियन लेते हुए आपने b के दोबारा एलिमेंट लिख दिए, मतलब ऊपर आपने b का जो 2 था वो माइनस कर दिया था a से, लेकिन यूनियन लेते हुए आपने दोबारा 2 को ऐड कर दिया था, तो एंड रिजल्ट क्या हुआ कि वो जो आंसर है वो a यूनियन b के बराबर हो गया। सर 7 का यूनिवर्सल सेट आएगा, हाँ हाँ 7 का यूनिवर्सल आएगा, ठीक है। तो ये आंसर आपने सही बताया था, वो मैंने बता दिया, अब इस पे आ जाओ। इसका मतलब क्या होता है, देखो एक सेट a है, कंसीडर कर लो 1, 2, और यूनिवर्सल यहाँ पे कंसीडर करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो यहाँ पे a कॉम्प्लीमेंट निकालो, a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस a, यूनिवर्सल ये पूरा है 1, 2, 3, 4, 5, और a यहाँ पे क्या है 1, 2। आप यूनिवर्सल में से a के एलिमेंट कैंसिल कर दो, तो 1, 2 a के एलिमेंट से कैंसिल कर दिया, रिजल्ट क्या आया 3, 4, 5। तो आप ऑब्जर्व करते हो ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट होते हैं जो ए के अंदर नहीं होते, ए के अंदर 1, 2 था ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर 1, 2 नहीं आएगा, बाकी एलिमेंट होंगे। तो यहां से आपको एक चीज ये वाली क्लियर हो गई है कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कुछ कॉमन नहीं आता, ए के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट के अंदर होते नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा एम्प्टी सेट होता है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 8 मैंने समझा दी है। अब 7 पे आ जाओ, ए के अंदर जो एलिमेंट थे वो कॉम्प्लीमेंट से आपने हटा दिए, मतलब जो यूनिवर्सल था ना उससे आपने ए के एलिमेंट हटा दिए थे, तो यूनिवर्सल के जो बाकी एलिमेंट थे वो आपने ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लिख दिए, ठीक है। लेकिन जब आप ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट से लोगे तो ए के जो एलिमेंट आपने यूनिवर्सल से हटाए थे यूनियन लेते हुए वो दोबारा उसके अंदर आ जाएंगे। जब आप ए का यूनियन लोगे ए कॉम्प्लीमेंट से तो जो एलिमेंट आपने यूनिवर्सल से हटाए थे ना यूनियन लेते हैं वो दोबारा आ जाएंगे। तो पहले आपने हटाए थे उसके बाद आपने दोबारा ऐड कर दिए, तो एंड रिजल्ट ये हुआ कि इसका आंसर यूनिवर्सल सेट के बराबर ही आ जाएगा। अगर आप इसका और इसका यूनियन लोगे तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और उसके बाद 9 है a माइनस बी, a माइनस बी का आंसर ये हो जाएगा कि आप इसको लिख दो b माइनस बी कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट। अब इसको आप वैसे समझना काफी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, इसको आप एग्जाम्पल लेट करके सॉल्व करो आपको पता चल जाएगा, लेकिन काफ़ी मशहूर ये थ्योरम था इसलिए मैंने आप लोगों को लिखवा दी है। इसको प्रूव करना है तो आप ए और बी ये वाले कंसीडर करो, इसमें पूरी चीज़ परफॉर्म करो, देखना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी।